तो आज हम लोग भाव पर चर्चा करेंगे। 12 भाव होते हैं। जब मैं भाव के बारे में बताऊंगा तो उस सिग्निफिकेशन पे वो नंबर याद रखने की प्रैक्टिस हर कोई करे प्लीज, क्योंकि इसके आगे जब भी बात होगी तो उन नंबर से बात होगी। जैसे मैं बोलूंगा 4 तो आपको 4 के सिग्निफिकेशन को तुरंत दिमाग में रखना पड़ेगा। 4 मीन्स वॉट, 5 मीन्स वॉट, राइट। तो फर्स्ट हाउस सबने जाना होगा, द राशि, दिस इज फर्स्ट हाउस, द राशि राइजिंग इन द ईस्टर्न होराइजन एट द टाइम ऑफ सनराइज। ये फर्स्ट हाउस है, पहला भाव है। इस भाव का सिग्निफिकेशन है भूमि, सॉरी, फर्स्ट हाउस इज लाइक दिस, फर्स्ट हाउस इज सेल्फ, आवर एग्जिस्टेंस, व्हाट वी आर, एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेड एट फर्स्ट हाउस। जो भी घटनाएं होंगी वो पहला हाउस है हम, मैं। सेकेंड हाउस है आवर पोजिशंस। जब मैं हाउसेस की बात करूं तो आप रिलेट करिएगा, राशि नंबर 1 मेष, सेकेंड हाउस राशि वृष, पोजिशन कंठ, कोष, कुटुंब, फैमिली, मनी, थ्रोट, ये हमारा सेकेंड हाउस है। थर्ड हाउस यंगर सिबलिंग्स, हमारे छोटे भाई बहन, पास पड़ोस के लोग, पड़ोसी इज थर्ड हाउस, क्लोज नेटवर्क, ट्रैवल टू नोन प्लेसेस इज थर्ड हाउस। बॉडी पार्ट में हाथ आता है, फर्स्ट हाउस में चेहरा, सेकेंड हाउस में कान, आंखें, थर्ड हाउस में शोल्डर्स, आर्म्स, फोर्थ हाउस भूमि, भवन, वाहन, माता, लैंड, हाउस, व्हीकल एंड मदर, आवर मदर लैंड इज नोन बाय फोर्थ हाउस। आगे हम लोग देखेंगे, किसी को कुछ क्वेश्चन होता है कि विदेश कब जाएंगे या घर कब बनेगा, ऑल दैट। एंड द बॉडी पार्ट इज चेस्ट, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम देखनी होगी तो इससे देखेंगे। फिफ्थ हाउस इज रोमांस, फर्स्ट चाइल्ड, फ्रेंड्स हु एम्यूज, एंटरटेनमेंट, एम्बिशन एंड मंत्र सिद्धि, और आपका पेट। सिक्स्थ हाउस इज मैटरनल अंकल मामा, मैटरनल अंकल एनिमीज, लोन्स, डेली रूटीन एंड आवर पेंडिंग कर्मा, एंड द बॉडी पार्ट इज इंटेस्टाइन्स। सेवेंथ हाउस इज आवर अदर पीपल। अब देखिए, सिक्स्थ हाउस तक जो जो भी आया, अब इसके बाद सामने वाले हाउसेस के ऑपोजिट के हाउसेस आने शुरू हो जाएंगे। सेवेंथ हाउस इज अदर पीपल ऑफ फर्स्ट हाउस, और सेवेंथ हाउस इज ऑल्सो सीन फॉर बिजनेस पर्पस, बिकॉज बिजनेस इन्वॉल्व्स द अदर पर्सन, योर काउंटर पार्ट। देन द एट्थ हाउस, एट्थ हाउस इज फॉलिंग ऑपोजिट टू द सेकेंड हाउस, तो आपकी फैमिली के अदर फैमिली इज योर इन लॉस। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष पढ़ने जानने के लिए एट्थ हाउस का स्ट्रांग होना जरूरी है। इस काइंड ऑफ ब्लैक होल, इट इज अवर अननोन कर्मा, नॉट द पेंडिंग कर्मा, इट इज अननोन कर्मा। पेंडिंग कर्मा इज सिक्स्थ हाउस, अननोन कर्मा इज एट्थ हाउस। डीप नॉलेज, एंड इट इज द रीजन ऑफ डेथ। डेथ कैन बी ऑफ एनीथिंग, डेथ कैन बी ऑफ फिजिकल बॉडी, डेथ कैन बी ऑफ मटीरियल थिंग्स, डेथ कैन बी ऑफ ए सिचुएशन, डेथ कैन बी ऑफ रिलेशनशिप। नाइन्थ हाउस फॉल्स opposite to the third house. So third house was what? Travel to known places. Ninth house is travel to unknown places. Videsh yatra. Third house is your smaller network circle. Third house is your parakram. Anything that we do with hands. And ninth house is the result. Ninth house is actually our past life, our father, our guru, our guide, court kachari. Ninth house is your third child. Thighs, body part is thighs and knees. And it is the legal money. Court cases. These are seen from ninth house. So, nine is the only number which repeats itself. 9 into 2 is 18, 1 plus 8 is 9. 9 into 3 is 27, 7 plus 2 is 9. There is no other number which multiplies and adds to the same number. 9 is the only number which adds to 9 only. That means it is our past life which what we have done, our father. 10th house is opposite to the 4th house. 10th house is your workplace.
status, prestige, ego, hard work, identity. It is opposite to the fourth house. Fourth house में आप आराम करते हैं और tenth house पे आप काम करते हैं. Body part is knees. Self identity, ego, prestige and आपके अपने boss tenth house से देखे जाते हैं. अगर ये जानना हो कि आपके boss कैसे हैं और characteristic क्या है, आपसे उनका रिश्ता कैसा है, which I will explain in next videos how to see that. 11th house is elder brother, bigger network circle, accidents, hopes, wishes and desire. We are born. मैंने पहले वीडियो में बोला था जब राहु का सिग्निफिकेशन बताया था पंचांग शुरू करने के लिए समझने के लिए, हम पैदा होते हैं बिकॉज ऑफ आवर होप्स विशेस एंड डिजायर्स. यहां से फोर्थ हाउस क्या हुआ, 1 2 3 4. मैं बोलूं फिफ्थ हाउस से चौथा हाउस कौन सा है, 1 2 3 4. 11th हाउस इज एल्डर ब्रदर, 11th हाउस इज ऑपोजिट टू द फिफ्थ हाउस, सो इट इज द रिजल्ट ऑफ द फिफ्थ हाउस. आपके संतान होगी तो उनके गेन्स. सिक्स हाउस से सिक्स हाउस है 11th हाउस, 1 2 3 4 5 6. इसीलिए ये हाउस सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है. ये रुद्र का हाउस है, ये राहु का हाउस है, ये मंगल का हाउस है. 12th हाउस इज ऑपोजिट टू द सिक्स हाउस. सिक्स हाउस इज योर डेली रूटीन, तो डेली रूटीन के बाद हम क्या करते हैं, सोते हैं. तो 12th हाउस इज स्लीप, योर ड्रीम्स, योर बेड एक्टिविटीज, प्लेजर्स, सर्वेंट्स. सबसे इंपॉर्टेंट बात है सबकॉन्शियस फियर्स. जो हम लोग रात में सोते समय कभी कभी डरते हैं ना, लोग नींद नहीं आती है या कोई डर होता है, वो हमारा पास्ट लाइफ से रिलेटेड फियर होता है. बिकॉज 12th हाउस इज फोर्थ फ्रॉम 9th. इफ आई से फोर्थ फ्रॉम 9th, व्हाट यू विल अंडरस्टैंड, 1 2 3 4. आई सेड सबकॉन्शियस फियर. सबकॉन्शियस फियर कम्स फ्रॉम पास्ट लाइफ. पास्ट लाइफ के सुख में प्रॉब्लम, पास्ट लाइफ में आपके घर में प्रॉब्लम, विच वी कैरी. तो दिस इज कॉल्ड 12th हाउस.